शहर में कूड़ा फेंकने वाले स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रशासन के प्रपोजल को नगर परिषद ने रद्द कर दिया है। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित नगर परिषद की मासिक बैठक में यह फैसला लिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष लोचना देवी ने बताया कि हाउस की सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाउस ने केवल टाउन हॉल में कैमरे लगाने की हामी भरी है, जबकि शहर में कैमरे लगाने की सभी ने असहमति जताई है। प्रशासन ही कैमरों को शहर में लगाकर इनका उचित रखरखाव कर सकता है। बताया जा रहा है कि बैठक में कैमरों को लगाने के बाद इनका सही रखरखाव एक बड़ा मुद्दा बनकर गूंजता रहा। बहरहाल अब शहर में गंदगी फैलाने वालों पर नजर नहीं रखी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि शहर में चिन्हित स्पॉट पर कैमरे लगाने के लिए अधिकारियों ने खरीद फरोख्त व उन्हें लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन नगर परिषद की मासिक बैठक में सभी ने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि शहर में गंदगी फैलाने पर संबंधित व्यक्तियों को जुर्माना डालना था। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है, जिसने सर्वाधिक कूड़ा उठाए जाने वाले क्षेत्रों का सर्वे कर स्पॉट चिन्हित कर इनकी रिपोर्ट तैयार की। इस सारी देखरेख का जिम्मा एसडीएम व नगर परिषद हमीरपुर के ईओ को सौंपा गया। बताया जा रहा था कि इन कैमरों की मॉनिटरिंग नगर परिषद ऑफिस से की जानी थी। शहर में इन सीसीटीवी कैमरों के लगने से दो तरह के फायदे मिलने थे। एक ओर जहां गंदगी फैलाने वालों पर निगरानी रहेगी, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के सफाई कर्मियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। वह समय पर संबंधित क्षेत्र से कूड़ा उठाते हैं कि नहीं, इससे सफाई व्यवस्था में भी काफी सुधार होगा। अनुमूलन देखा जाता है कि लोग खुले में कूड़ा या कूड़ेदान के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। अलबत्ता जिला प्रशासन की इस पहल के शुरू हो जाने से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। जिला प्रशासन की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी और नगर परिषद ने भी पहले पूर्व में एक फैसला लिया था कि नगर परिषद की सीमा के भीतर या पालिका कार्यालय के बाहर कैमरे लगाए जाएं, परंतु इसमें एड ऑन करते हुए जिला प्रशासन ने उपायुक्त महोदय की ओर से भी हमें निर्देश थे कि शहर में कुछ जगह पर कैमरे लगाए जाएं, जिसके हमने कोटेशन वगैरह भी कर दी थी, परंतु आज सदन ने इसको ध्वनिमत से या इसको रद्द करते हुए ये कहा कि शहर में हम जो है कैमरे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शहर में कैमरे जो है वो प्रशासन लगाएगा, क्योंकि इसका रख रखाव का जो है ये पुलिस ही करेगी और फंडिंग भी उनके माध्यम से ही होगी। डोर टू डोर का था गार्बेज कूड़ा कलेक्शन का, जिसको हम घर घर जाके करेंगे। ये भी हम तीन चार दिनों के अंदर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करने के बारे में जो है ये भी चर्चा की गई। नगर परिषद में शहर की हथली खड में बनाए गए 72 फ्लैटों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को देने का फैसला लिया गया। ये फैसला संपन्न हुई विभाग की बैठक में लिया गया। ये 72 फ्लैट मेडिकल कॉलेज को बेचे जाएंगे। इसके लिए एक फ्लैट की कीमत 5,06,000 रुपए निर्धारित की गई है, यानी स्वास्थ्य विभाग को 72 फ्लैट के करीबन 3,64,00,000 रुपए नगर परिषद को देने होंगे। बहरहाल नगर परिषद इन 72 फ्लैटों को मेडिकल कॉलेज को आवास के रूप में देगा। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की मासिक बैठक में सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए इन फ्लैटों को आवास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हिमुंडा द्वारा नगर परिषद के लिए बनाए गए इन फ्लैटों में अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के हॉस्टल का इंतजाम करने के लिए नगर परिषद से इन फ्लैट के लिए अप्रोच किया था। इसके चलते नगर परिषद ने अब इन फ्लैटों को मेडिकल कॉलेज को बेचने का मन बनाया है। इसके लिए नगर परिषद ने एक फ्लैट की कीमत 5,06,000 रुपए निर्धारित की है, हालांकि इनकी खरीद फरोख्त होना अभी बाकी है। हथली खड के पास जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास हमारे 72 फ्लैट्स बने हैं, जिनको सरकार को हैंड ओवर करने के बारे में पहले से ही चर्चा चली हुई थी। तो इसमें नगर परिषद ने पहले जो चिन्हित लोग थे बेनिफिशरीज, उनमें से 18 लोगों को देने के लिए बात कही थी और रिमेनिंग 54 फ्लैट्स जो थे वो देने थे सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो इसके बाबत एक मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में 23 तारीख को शिमला में, तो वो भी चाह रहे थे अगर हमें पूरे फ्लैट्स मिल जाते हैं तो वो हॉस्टल जो है एज गर्ल हॉस्टल जो है वो बिल्डिंग तीनों जो सेट्स हैं तीनों कंपार्टमेंट जो है वो यूज किए जाएंगे। तो इस पे चर्चा करते हुए हाउस ने भी ये एक यूनैनिमस फैसला लिया कि
जितने भी 72 के 72 फ्लैट्स हैं ये सभी जो हैं मेडिकल डिपार्टमेंट को कॉलेज के लिए दे दिए जाएं, जहां की गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल जो है बनाए जाना है। तो इसकी एवज में नगर परिषद को जो हिमोडा से कॉस्ट आई है मुबलिक 5.6 लाख जो है वो नगर परिषद को देंगे।